हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड कस्टर्ड पाउडर की रेसिपी, जिसे मैं बहुत आसान टिप्स पे बताऊंगी और उसका सही मेजरमेंट बताऊंगी, जिससे आपका जो कस्टर्ड पाउडर है वो एकदम परफेक्टली बने मार्केट जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है चीनी। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप चीनी ली है। ये मेजरिंग कप से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आप यहाँ पे हाफ कप चीनी ली है। सबसे पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे, एक अच्छा सा इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो इसको मैं डालूंगी मिक्सिंग जार के अंदर और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, इसे वनीला फ्लेवर देने के लिए। तो इसमें मैं हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी चीनी को बहुत ही बारीक पाउडर बना लिया है और इसमें मैंने वनीला फ्लेवर डाला है। आप जो मन चाहे आप अपना फ्लेवर डाल सकते हो। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और साथ ही मैं इसके साथ इसके अंदर डालूंगी मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ऑरेंज फूड कलर, सॉरी येलो फूड कलर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैं 1 pinch फूड कलर ऐड करूंगी और इन सबको हम एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना रहे। और यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से छान भी लिया है। और ये देखिए, हमारा कस्टर्ड पाउडर एकदम तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसको मैं डाल लूंगी एक जार में और इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं इजीली। जब भी आपको बनाना हो फ्रूट कस्टर्ड या फ्रूट सेवई कस्टर्ड बनाना हो तब आप इसे इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा इंस्टेंट कस्टर्ड पाउडर एकदम तैयार है, होममेड। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैंने इसे एक शीशी में यानी एक जार में, एयर टाइट जार में मैंने इसे रखा है। इसे हम स्टोर कर सकते हैं इजीली और कभी भी आप अपने गेस्ट के आगे या फैमिली में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है।